हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड शुरू करते हैं अपना लाइफस्टाइल ब्लॉग। सो अभी ड्यू टू कोविड हम लोग कहीं जा तो पा नहीं रहे, सो इसको ऐसा करते हैं, घर पे ही आपको घर की चीज़ें दिखाएंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी आप लोगों को देख के काफ़ी मज़ा आने वाला है, बस इतना समझ लीजिए। सो आज जो है, अभी मैं उठी हूँ, थोड़ी देर हुई है, आई थिंक 10-15 मिनट हुआ होगा, और अभी मैंने ब्रश किया है और अभी 7 बज रहा है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा अभी एक्सटर्नल माइक यूज़ कर रही हूँ और कौन सा रिकॉर्डर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप वीडियोस में कौन सा माइक यूज़ करते हो, कौन सा रिकॉर्डर यूज़ करते हो। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज अभी की जो हमारी वीडियो है ये मेरे मोबाइल से शूट हो रही है, इसलिए कोई कैमरा तो यूज़ नहीं किया है। सो मुझे एक मैं जब क्या करती हूँ, जब मैं कैमरे से वीडियो बनाती हूँ तो मैं अपने मोबाइल पे वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ। इससे ये जो आप देख रहे हो ये एक बोट का है, ठीक है, और इसी से मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और रिकॉर्डर के लिए मोबाइल रहता है और माइक मेरा ये रहता है, ठीक है, बोट वाला। और आज जो वीडियो बन रही है तो उसके लिए एक एक्सटर्नल जो है मैं रिकॉर्डर यूज़ कर रही हूँ, वो है ये जूम का रिकॉर्डर है। ये मैंने लिया था, काफ़ी पहले परचेस किया था, मुझे इसका प्राइस नहीं याद है, पर ठीक ठाक प्राइस था इसका, और काफ़ी अच्छा है, हैंडी भी है, बहुत हैंडी है। लेकिन इसके लिए एक इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट है ये है कि इसमें आपको जो है एक सेल लगाना होता है, एक बैटरी लगानी होती है, और अगर आप इसमें कोई ऐसी बैटरी लगाते हो जैसे कि मैंने अभी इस पर लगाई हुई है, एवरेडी का सेल लगाया हुआ है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो आपको इस पर कोई एक रिचार्जेबल सेल लगाना चाहिए जिससे कि आपका ये लॉन्ग टर्म तक चले भी और जल्दी ख़त्म भी ना हो। अदरवाइज़ आपकी जो है, आई थिंक 1 घंटे की रिकॉर्डिंग में एक सेल तो ख़त्म ही हो जाएगा या उससे भी जल्दी। सो मैंने आपको दिखा दिया मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, और ये है बोट का माइक, ठीक है। मेरे पास और भी माइक है, बोआ का माइक है, पर अभी मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो ये है, ठीक, बेसिकली ये यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया कि क्या यूज़ कर रहे हैं, मैंने आपको दिखा दिया। बाकी तो आज का जो है वो मोस्टली हमारा लाइफस्टाइल ब्लॉग होगा, और जैसा कि आप देख रहे हो अभी मैं सोई सोई सी लग रही हूँ। सो अभी जैसा मैंने बताया आपको, सो के उठी हूँ और अभी मैं टेरेस पे हूँ। है क्या कि ब्रश करने के बाद मुझे थोड़ी देर बैठना अच्छा लगता है टेरेस पे, शांति से, और फिलहाल तो नॉइज़ की वजह से शांति नहीं है। अभी दिवाली का दूसरा दिन है आज, और आज गोवर्धन पूजा होगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे होती है हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी पूरी की पूरी वीडियो आप लोगों को देखनी है, बहुत ही अच्छी वीडियो होगी गाइस, ठीक है। भैया ये देखो वीडियो बन रही है। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी, एंड अब होने जा रही है हमारे यहाँ पूजा गोवर्धन की, जो कि ऑलरेडी चल रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े से ग्लिम्स ऑफ दैट पूजा, ठीक है, ताकि आप लोग बहुत सारा एंजॉय कर।
अगर आप ऐसे बहुत सारे और भी ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आपको इस ब्लॉग को लाइक करना होगा और बहुत ज्यादा शेयर करना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमें लगे कि आप ब्लॉग को पसंद कर रहे हो। और मैंने इस ब्लॉग में सब कुछ जो है सब कुछ यानी कि दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जो कुछ भी हमारे यहाँ होता है सब कुछ कवर किया है। तो आप बताइए आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा, एंड अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स और देखना पसंद है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।